हाँ जी फ्रेंड्स, ये मैंने इसमें थोड़ा ये रेत का सूट है लेवेंडर कलर का, हल्का हल्का पानी लगा लिया है। पानी लगाने से ये अच्छी तरह से ऐसे स्प्रेड हो जाता है, नहीं तो क्रेप पर या टैबी सिल्क पर एक ही जगह पर जम जाता है कलर। ठीक है, ये पर्पल कलर मैं ले रही हूं और इस तरह से सारा फैला के इसको कलर को, ये देखो ऐसे बिल्कुल पतला पतला कलर आएगा। फिर अगर नीचे थोड़ा पानी लगाया होगा ना, बिल्कुल पतला पतला कलर आएगा। अगर किसी ने मेरे चैनल को बार बार बोली सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, मेरी वीडियो को लाइक कर दो। अब जो ये नीचे वाला पोर्शन है, ये मैंने अपने डिजाइन अपने माइंड से बनाया है, बाकी जो ये फूल पत्ते वगैरह हैं ये तो कहीं ना कहीं किसी के डिजाइन से जैसे मैंने देखे हुए हैं, फूल कहीं से ले लिया, ये फूल कहीं से बीच में जोड़ के मैंने अपने आप ये डिजाइन बनाया है। और मेरे ज्यादातर डिजाइन जो होते हैं ना, वो मेरे खुद के बनाए हुए होते हैं। कॉपी वर्क बस वही होता है जब कोई कह देता है कि इस स्क्रीनशॉट भेज देता है कि ये बना दो। ठीक है, मुझे कॉपी करना, किसी की नकल करना पसंद नहीं है। मुझे अपने दिमाग से डिजाइन बनाना, अपनी क्रिएटिविटी दिखाना वो ज्यादा पसंद है, बजाय कि कॉपी वर्क करना। और ये जो सूट है, ये लुधियाना से आए हैं मेरे पास बनने, 3 सूट हैं। और ये जो है बड़ी बहू का सूट है, फिर एक छोटी बहू का और एक फिर सासू माँ का, उनके तीनों के सूट मुझे बनाने हैं। ये फर्स्ट सूट अभी मैं बना रही हूँ और बीच में से इनका बेचारों का काफी दिन से लगा है अड्डे में दुपट्टा, और मुझे 2 सूट इस सूट से पहले 2 सूट मुझे किसी के लोकल ये कामरूप के बीच में ही, मैंने दुपट्टा लगाया ही था, रिलेटिव थे उनको जल्दी चाहिए थे, कई बार अपने मना भी नहीं कर सकते ना, और इनको भी मैंने ये सूट भेजने हैं। वो भी पूछ रहे थे बार बार कि हमारे सूट हो गए, तो अब मैंने आज शुरू किया है ये सूट। ये देखो, मैं आपको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट डिजाइन बताती हूँ ताकि आप कहीं भी मार ना खाओ, आपको हर तरह का डिजाइन बनाना आए। पर उसके बदले में मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बस इतना सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो आपको पसंद है, डिजाइन पसंद है, तो लाइक कर दिया करो और शेयर कर दो। कोई ऐसा भी होता है जो नहीं पैसे देकर सीख सकता, तो उसकी ये हेल्प हो जाएगी आपकी तरफ से। क्रेप के सूट पर ओरिजिनल फूल बनाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। उसके लिए बहुत ही आराम से काम करना पड़ता है, और ये जो फूल है उसको लगभग गीला ही रखना पड़ता है, नहीं तो मोटा मोटा सा टच हो जाएगा। कॉटन पर करना आसान है और क्रेप पर मुश्किल है, लेकिन ज्यादातर लोग क्रेप पर ही करवाते हैं काम। अब यहां पर इसको व्हाइट से मिक्सिंग कर देंगे। जितना आप गीले गीले में मिक्सिंग कर सकते हो ना, उतना उतना ही आप कलर लगाएं।
ये देखो इस तरह से। अब अगर ये सूख गया ना ये अंदर से, मैंने रेड कलर लगाया उसके ऊपर येलो कलर। अब यहां पर व्हाइट कलर। ये आपके सामने लगभग फूल बन चुका है। अब ये रेड कलर लेकर इस तरह से ये लाइन लगा देंगे। ओके फ्रेंड्स, इसकी मैं अभी इसकी फिनिशिंग है वो आप जैसे यहां से वाइट है, ये धीरे धीरे फिनिशिंग हम अपने आप कर लेंगे। मेथड आपको पता लग गया और इसलिए मैं वीडियो बंद कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है बाहर कोई आया है। तो बस आप इसी तरह से ही अगर आपको यहाँ ब्लैक अच्छा लगता है थोड़ा सा तो ब्लैक कर दो, ये तो आपके ऊपर ही है कि मेहरून करना है मेहरून, रेड करना है रेड। मुझे रेड करने के बाद लगा नहीं कि भी पर्पल और वो सेम ही लग रहे थे, तो मैंने इसके लिए हल्का सा ब्लैक उसमें मिला दिया। ऐसे अब दिख के आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, इसको मैं धीरे धीरे बस फिनिशिंग रह गई है और एक ये इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। ओके बाय बाय, सी यू। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। पता नहीं मैं अब दिख रही हूँ कि नहीं आपको ये डिज़ाइन, क्योंकि आज मैंने वीडियो फ़ोन को उल्टा करके बनाई है, मेरे बेटे ने ऐसे उल्टा लगा दिया कि ऐसे अच्छी बनती है। चलो अब लास्ट में यही विनती है आपसे, बहुत बहुत हाथ जोड़ के कि मेरी वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो। ओके बाय बाय।